आज मैंने ज्ञान से कहा है कि आरुषि बहू से कहूं चल यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले उसके बारे में क्या नया टारगेट यानी यही है कि नए चैलेंजेस, जैसे कि आपको पता है आरुषि को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है और दादी माँ ने उसको परखने के लिए मेरे ख्याल से ये चैलेंज दिया है, उसे 1,00,000 रुपए थमा दिए हैं और ये कहा है कि इसमें पूरे महीने का खर्चा आपको चलाना है। एक्चुअली हमारे घर में लोग बहुत सारे हैं और उस हिसाब से आई थिंक 1,00,000 रुपए कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो उसमें आरुषि को घर चलाना है। अब आप ही देखिए वो चला पाएगी नहीं चला पाएगी। आपने तो कह दिया कि 6 महीने आप चला लेंगी घर। बिकॉज उसे आदत है ना कि खर्च बहुत कम करने की, बहुत ही वो अच्छे से खर्च करती है, अपने अपना घर संभालती आ रही है, उसको एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस उसी में से उसे आया है कि मैं संभाल लूँगी। क्या लगता है क्या 1,00,000 रुपए में क्या क्या शॉपिंग होने वाली है? शॉपिंग तो की तो बात ही नहीं, पैसे बचेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट बिल, फोन बिल, यू नो ये सारे बिल्स और घर का राशन, इस सभी में मेरे ख्याल से खर्च हो जाएगा। क्या बात है, मतलब जिस तरह से आपने कहा मुझे लगता है पहले से काफी बड़ा एक्सपीरियंस है आपको। जी आरुषि को तो एक्सपीरियंस है ही, अपना घर तो वही संभालती आ रही थी अपनी सैलरी से, उसमें से भी कुछ पैसे बचाने की बहुत कोशिश करती थी, तो एक्सपीरियंस मैटर्स। और आपकी पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में एक्चुअली मैं डेफिनेटली कुछ नहीं करती, मेरे मॉम डैडी सब कुछ करते हैं, पर ये है कि फिजूल खर्च ना करना, बचत करना, ये सब तो मुझ में भी है कहीं ना कहीं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू।